नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें। चलते हैं आज की इस खास खबर की ओर। विभाग से आज की ये ताजा खबर है। 21 दिसंबर 2022 की प्रादेशिक शिक्षा समाचार में लखनऊ से ये अमृत विचार ने इसे प्रकाशित किया। एक जिला एक खेल योजना में प्रदेश के सभी जिलों के खेल प्रशिक्षकों को रखा जाए। बताना चाहेंगे अपर मुख्य सचिव खेल एवं युवा कल्याण डॉक्टर नवनीत सहगल ने इस सिलसिले में अफसरों को निर्देश जारी किए हैं। अपर मुख्य सचिव मंगलवार को बापू भवन में खेल एवं युवा कल्याण विभाग के कार्यों की समीक्षा कर रहे थे। अपर मुख्य सचिव ने कहा कि योजना के तहत प्रदेश के सभी जिलों में खेलो इंडिया सेंटर की स्थापना कराई गई है। 64 जिलों में प्रशिक्षकों को चयन कर प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित किया जा रहा है। बाकी जिलों में अम्बेडकर नगर, ओंडा, झांसी, कानपुर देहात और बदायूं, सुल्तानपुर, अम्बेडकर नगर के साथ साथ उरई, जालौन, औरैया, सहारनपुर, कानपुर आदि में प्रशिक्षकों के चयन की कार्रवाई चल रही है। उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में खेलों को बढ़ावा देने के लिए ब्लॉक स्तर पर स्टेडियम बनाए जाएंगे। वर्ष 2017 में प्रदेश सरकार द्वारा 41 स्टेडियम का निर्माण कराया जा चुका है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में 14 गेम्स के लिए क्षेत्र चिन्हित कर वहाँ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना कराई जाएगी। बैठक में निदेशक खेल आरपी सिंह समेत खेल एवं युवा कल्याण विभाग के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। तो साथियों तैयार हो जाइए, वो साथी जिन्होंने खेल से बीपीएड एमपीएड किया है और ब्लॉक स्तर पर उनका चयन होना निश्चित है, अपनी तैयारी जारी रखें। तो साथियों देखा आपने, यहाँ पर खेल प्रशिक्षकों को रखा जाएगा खेल के लिए बढ़ावा देने के लिए, यानी कि खेलो इंडिया के तहत ये युवाओं को एक मौका है खेल में अपने आप को विश्व स्तर पर स्थापित करने के लिए। तो ये थी साथियों खास खबर। बने रहिए हमारे साथ अनुदेशक न्यूज़ पर, जिस पर आप पाते हैं अनुदेशक शिक्षा मित्रों के अलावा अन्य शिक्षकों के सभी समाचार। मिलते हैं किसी और अपडेट के साथ। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।